नमस्कार किसान साथियों, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल आलम नर्सरी की तरफ से सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज जो वैरायटी के बारे में बात करेंगे, मैंगो का बहुत सारी वैरायटी मार्केट में आया है, जैसे सभी नया वैरायटी है, कम से कम 15 से 20 वैरायटी आया है मार्केट में। तो सभी के साथ आज आपको बातचीत करके देखेंगे कौन सी वैरायटी अच्छा है, तो जो कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए कौन सी वैरायटी अच्छा है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। 15 से 20 वैरायटी कम से कम है हमारे पास, और सबकी सब अलग अलग कलर है मैंगो का, और अलग अलग डिफरेंस है, शाइनिंग अलग है, कोई भी फ्रूट लंबा है, कोई भी गोल है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो में बनी रहिए। तो मैं अभी जो मेरा हाथ में है ये गोल्डन नाम डॉक माई का फ्रूट है, आप देख सकते हैं इसका काफ़ी लंबा आता है, इसका फ्रूट कम से कम 8 से 10 इंच तक आ जाती है, ये मीडियम साइज़ का फ्रूट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसका जो काला है आप देख सकते हैं एकदम इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और टाइमिंग देखिए बहुत अच्छा है, और इसका काला बहुत अच्छा है। मार्केट में नंबर वन वेराइटी होगा, तो नाम डॉकमा अभी सबसे मार्केट में बेस्ट वेराइटी है, और कितना गुच्छे में आ रहा है देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट का हाइट ज़्यादा नहीं है, 7-8 फीट हाइट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसे देखने में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये देख सकते हैं इसका जो शाइनिंग है एकदम क्लियर है, आप देख सकते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है, और खाने में बहुत स्वीट है ये, ठीक है। ऐसा करके इधर भी देख सकते प्लान, इधर भी फ्रूटिंग आया हुआ है देख सकते, मतलब सिर्फ एक ही जगह में फ्रूटिंग नहीं है, मतलब इस प्लान में हर एक डाली में ऐसा फ्रूटिंग आया हुआ है, और कितना ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूटिंग आया हुआ है आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी फ्रूटिंग है। हम फिर एक दूसरे वैरायटी के साथ आपको ये करवा रहे हैं, ये जो मैंगो है आप देख सकते हैं जो हाथ में, ये 3 टेस्ट मैंगो है, आप देख सकते हैं इसका भी शाइनिंग बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा आएगा बनाना मैंगो का जैसा, इसका नाम है 3 टेस्ट, ये भी कितना गुच्छे में आया हुआ है देख सकते, एक भी ऑलरेडी पैकेजिंग के पैकेट के अंदर है एक, ठीक है, और ये बहुत गुच्छे में आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए बहुत सारी मैंगो इसमें आया हुआ है, प्लांट का हाइट सेम है, सब 7-8 फीट के अंदर ही है, तो कितना ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें फ्रूटिंग आया है देख सकते हैं, और इसका कलर भी ऐसा आएगा, ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वेराइटी है। चलिए वैरायटी देख सकते हैं, जैसे इसको ताइवान रेड बोलता है, कम से कम 8 से 10 इंच का लंबा में आता है, और कलर पूरा रेड आता है देख सकते, मोटा भी बहुत है, तो इसका वेट कम से कम 700-800 ग्राम तो अभी है। और इसी प्लान में आप देख सकते हैं दूसरा साइड में भी फूल आया था, लेकिन इसमें सेटिंग नहीं हुआ था, ठीक है। प्लान का हाइट 7-8 फीट ही होगा, देख सकते यहाँ पर सिंगल फ्रूट है, पूरा रेड कलर का है, और इसका जो प्लांट मिलता है वो प्लांट को एक बार दिखा देता हूँ मैं, जो प्लांट है आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए इसका जो प्लांट है ऐसा हिसाब को मिलेगा 2.5 से 3 फीट के बीच में, ठीक है, ग्राफ्टेड हुआ प्लांट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ्टेड किया हुआ है, प्लांट का क्वालिटी भी देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी है। और एक वैरायटी देख सकते हैं जिसको हम लोग अमेरिकन रेड पाल्मर बोलते हैं, इसका कलर देख सकते हैं इतना अच्छा कलर आया हुआ है देख सकते हैं, पूरा रेड कलर में है, ठीक है। और इसी प्लांट में कितना सारी फ्रूटिंग लगा हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी देखिए ये भी एक बहुत अच्छा फ्रूटिंग है, ये है, इधर भी 2 फ्रूटिंग है, प्लांट का हाइट आप देख सकते ज़्यादा लंबा नहीं है, देख सकते कितना अच्छा फ्रूटिंग सेटिंग हुआ है। दूसरे साइड में देख सकते हैं मैं और एक वैरायटी दिखाता हूँ, ठीक है। एक वैरायटी आप देख सकते हैं जैसे 4 kg बोलते हैं, काफ़ी बड़ा साइज में है आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा साइज में है इसका, और भी एक प्लांट है जिसमें 3-4 फ्रूटिंग हुआ है, ये देखिए वो भी देखो कितना बड़ा फ्रूट है देख सकते हैं आप, प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए इसका साइज थोड़ा कम है। ये देखिए किंग ऑफ चकापात जो मैंगो है वो भी देख लीजिए काफ़ी लंबा साइज में है, ठीक है, कम से कम 8 से 10 इंच होगा, और राउंड में बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका देख लीजिए कलर में अच्छा है, रेड कलर में आया है, ठीक है, आप देख सकते। दूसरा और एक वैरायटी दिखाता हूँ,
जिसको R2E2 बोलती है, ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है। R2E2 जो है इसमें देख सकते प्लांट का ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटा प्लांट है बहुत ही। आप देख सकते यहाँ पे तीनों फ्रूटिंग लगा हुआ है R2E2, एकदम राउंड फ्रूट आता है। ठीक है, ये देख लीजिए एकदम पूरा राउंड फ्रूट आता है इसका, और कलर एकदम गोल्ड कलर का है। ठीक है, एकदम गोल्डन कलर में आता है इसका, एकदम इसका शाइनिंग जो है बहुत फ्रेश है, आप देख सकते। दूसरा ये जो वैरायटी है ये लंबा आता है, इसका रेड आइवरी बोलते हैं, ये पूरा रेड कलर का आएगा, कम से कम 10 इंची लंबा होगा इसका, लंबाई में 10 इंची होगा, राउंड में मोटा होगा लेकिन लंबाई में 10 इंची होगा। दूसरा ये भी रेड आइवरी है, देख सकते इस फ्रूट जो कितना लंबा है, आप देख सकते मेरा हाथ में जो है बहुत लंबा है। यहाँ पे भी रेड कलर आया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा रेड कलर आया हुआ है, आप देख सकते। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और हमारा पास जो प्लांट अवेलेबल है सभी जितना वैरायटी दिखाया है सभी प्लांट अवेलेबल रहते हैं। कोई किसी को चाहिए तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा स्क्रीन में दिया हुआ नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में होलसेल प्राइस में प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जो वैरायटी अच्छा लगे उसी वैरायटी में काम कर सकते हैं। इसमें जितना भी वैरायटी दिखाया गया है उसमें जो बेस्ट वैरायटी आपको लगे उसके ऊपर आप फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम फिर भी लास्ट में एक बार बोलता हूँ, जो अभी जो जिस प्लांट के पास में खड़ा है इसका गोल्डन नाम डॉक मैं बोलते हैं, ये जो फ्रूट है बहुत अच्छा फ्रूट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा जो नया नया वैरायटी आते हैं हम लोगों के पास इसको वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब करने से जो वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपसे मिल जाएगा। थैंक यू।